नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर मतदान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की मुश्किलों को दूर करना है। मंत्रिमंडल ने अवसंरचना निवेश निधि गठित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिकृत किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पर्यवेक्षण उपग्रह रीसेट 2BR1 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल और भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच मुंबई में जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राज्यसभा ने आज नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा पूरी कर ली और इस पर मतदान की कार्यवाही जारी है। बहस का उत्तर देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि ये विधेयक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के बाद इन देशों में अल्पसंख्यकों को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया है, संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकता जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधारित हो, और रीजनेबल क्लासिफिकेशन आज यहाँ है। हम कोई एक धर्म को नहीं देंगे, हम ये तीन देशों की माइनॉरिटी को ले रहे हैं और सभी की सभी माइनॉरिटी को ले रहे हैं, एक क्लास को ले रहे हैं, और उसमें भी वो क्लास को जो धार्मिक प्रताड़ना से प्रताड़ित है। इसलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर ये संसद को कानून बनाने का अधिकार है। गृहमंत्री ने सवाल किया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर भारत के विभाजन को कैसे राजी हुई। नागरिकता संशोधन अधिनियम में 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 समुदायों के अवैध आप्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रावधान किया गया है। ये समुदाय हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इस विधेयक की संवैधानिकता को लेकर सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए श्री शाह ने कहा कि इसमें शर्तों को पूरा करने के लिए तर्कसंगत तरीके से वर्गीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च सदन को जनता की भलाई की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने से नहीं हिचकना चाहिए। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि इस विधेयक में किसी भी मुसलमान की नागरिकता छीनने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें पड़ोस के 3 देशों में धार्मिक कारणों से सताए गए लोगों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। गृहमंत्री ने राज्यसभा को बताया कि पिछले 5 वर्षों में भारत ने इन देशों के 566 मुसलमानों को भी नागरिकता देने में उदारता दिखाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के विपरीत एनडीए सरकार की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर विस्तृत परिभाषा है। चर्चा के दौरान कांग्रेस, वामपंथी दलों, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने विधेयक को असंवैधानिक करार देते हुए इसका विरोध किया। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने कहा कि इसके ऐसे दूरगामी परिणाम होंगे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने विधेयक को असंवैधानिक बताया। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने सरकार पर आरोप लगाया कि ये विधेयक देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर हमला है। ये बिल सबको इसका समर्थन करना होता अगर 2 अमेंडमेंट अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उससे थोड़ा पीछे हट जाएं और सिर्फ 2 अमेंडमेंट के पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की जगह तो लिख दें नेबरिंग कंट्री, और हिंदू सिख वगैरह जो लिखा है इसको रिलीजियस माइनॉरिटी लिख देते तो बड़ी शानदार तरीके से ये बिल हमारा पास हो जाता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि विधेयक को आगे जांच के लिए प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि विधेयक का विरोध करने वालों को राष्ट्र विरोधी करार देना गलत है और पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न से मुक्ति मिल जाएगी। नई दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि श्री मोदी ने कहा कि इस कानून के बनने से उन लोगों के जीवन में अस्थिरता खत्म हो जाएगी जो भारत में रह रहे हैं लेकिन उन्हें नागरिक अधिकार और अन्य सुविधाएं हासिल नहीं हो पाती। असम में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा जा रहा है क्योंकि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज सैकड़ों छात्र गुवाहाटी में इस विधेयक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकत्र हुए। इस बीच गुवाहाटी में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना ने शहर के इलाकों में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। शाम 7 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है के अंतर्गत नागरिकता संशोधन विधेयक पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। त्रिपुरा में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। आदिवासी क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित रहा। धलाई जिले से कुछ हिंसक घटना की खबरें मिली हैं लेकिन स्थिति वहां पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अवसंरचना निवेश निधि गठित करने को अधिकृत किया गया है। निधि का गठन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल टैक्स वसूली के कम एक साल के अच्छे रिकॉर्ड वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के मौद्रीकरण में मदद मिलेगी। इसे प्राधिकरण को चुने हुए राजमार्गों में टोल टैक्स की वसूली का अधिकार दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने आज 1934 के विमान अधिनियम में बदलाव के लिए विमान संशोधन विधेयक 2019 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में नियमों का उल्लंघन करने पर सजा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने और वर्तमान कानून का दायरा बढ़ाने का प्रावधान है। इन संशोधनों से अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी और देश में विमान संचालन में सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा। मंत्रिमंडल ने दिवाला और धनशोधन अक्षमता संहिता 2016 में संशोधन के लिए नया विधेयक लाने को भी मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य दिवाला से संबंधित मामलों के निपटारे के दौरान आने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए कानून में बदलाव लाना है। इनसे वित्तीय संकट का सामना कर रहे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अभी समाचार मिला है कि संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने विधेयक को अभी पारित किया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो परियोजना के चौथे चरण के 3 कॉरिडोर के लिए धन उपलब्ध कराने के तरीके में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये कॉरिडोर हैं एयरो सिटी से तुगलकाबाद, आरके आश्रम से जनकपुरी पश्चिम और मुकुंदपुर से मौजपुर। केंद्र और दिल्ली सरकार भूमि की कीमत का 50-50% भुगतान करेगी। परियोजना की कुल लागत लगभग 25,000 करोड़ रुपए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति में आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बागवानी के विकास के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के हिस्से में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब इस पैकेज को लागू करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 कर दी गई है। इसके लिए संशोधित धनराशि 500 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है जिनमें से 460 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए और लगभग 40 करोड़ रुपए लद्दाख के लिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज दोपहर बाद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रिसेट 2BR1 और 9 अन्य वाणिज्यिक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसमें इसराइल, इटली और जापान का 1-1 और अमेरिका के 6 उपग्रह शामिल हैं। इसरो के अध्यक्ष डॉ के सिवन ने कहा, आई एम एक्सट्रीमली
हैप्पी टू डिक्लेयर। मैं बहुत खुश हूं कि 50वां पीएसएलवी के जरिए रीसेट 2 BR-1 और 9 अन्य वाणिज्यिक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इन उपग्रहों को पृथ्वी से 576 किलोमीटर की दूरी पर उसकी कक्षा में स्थापित किया गया। ये 50वां ऐतिहासिक मिशन था और भारत की धरती से ये 75वां प्रक्षेपण था। दिस इज द 75th लॉन्च फ्रॉम स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया। ये उपग्रह रिसेट श्रृंखला का दूसरा रडार चित्र भेजने वाला उपग्रह है। ये उपग्रह रात के अलावा बादल होने पर भी पृथ्वी के चित्र भेज सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड में विधानसभा के तीसरे चरण के कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी विनय कुमार चौबे ने कहा कि इस चरण में लगभग 56 लाख लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कल जो हमारा तीसरा चरण है उसमें 8 जिले के 17 विधानसभा जो हमारे हैं उनमें मतदान होना है। उसमें से 5 में 7 बजे से 5 बजे तक और शेष जो 12 है उनमें 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। सुरक्षा कारणों से उसमें 3 बजे तक हम लोगों ने मतदान रखा हुआ है। इस चरण में हम लोग 3 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और 96 मतदान केंद्रों के जो हमारे मतदान कर्मी हैं इनको हम लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान केंद्रों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस चरण में 32 महिलाओं सहित कुल 309 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में 3,680 मतदान केंद्र नक्सल हिंसा और अन्य कारणों से अति संवेदनशील तथा 1,662 संवेदनशील घोषित किए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पड़ने के कारण ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों सहित कुल 10 पोलिंग बूथ को स्थानांतरित कर सुरक्षित स्थानों पर बनाया गया है। चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को स्थानांतरित मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था करेगा। मतदान प्रक्रिया की कड़ाई से निगरानी के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2,000 से अधिक मतदान केंद्रों से वोटिंग प्रक्रिया की वेबकास्टिंग की जाएगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, रांची। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वो तेलंगाना में एक डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों के मुठभेड़ में मौत के मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति पर विचार कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता में पीठ ने मुठभेड़ की जांच विशेष जांच दल से कराने संबंधी जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये बात कही। इस याचिका पर न्यायालय कल सुनवाई करेगा। पाकिस्तान में लाहौर की आतंकरोधी अदालत ने आज मुंबई आतंकी हमले का मुख्य षड्यंत्रकारी और प्रतिबंधित जमात उद दावा सरगना हाफिज सईद पर आतंकियों के लिए धन जुटाने का आरोप लगाया है। अदालत ने इसी मामले में सईद के 3 निकट सहयोगियों पर भी आरोप लगाया है। मामले की अगली सुनवाई कल होगी। पाकिस्तान पर अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियां बंद करवाने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच सईद पर आरोप लगाए गए हैं। मुंबई में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 241 रन का लक्ष्य दिया है। लोकेश राहुल ने 91, रोहित शर्मा ने 71 और विराट कोहली ने नाबाद 70 रन की पारी खेली। श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 173 अंक बढ़कर 40,413 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 53 अंक की बढ़त के साथ 11,910 पर रहा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में इस वित्त वर्ष में अब तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जरिए 50,85,00,000 रुपए की सब्सिडी वितरित की है। इससे 2,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को लाभ पहुंचा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने विधेयक को 105 के मुकाबले 125 वोटों से पारित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा विधेयक का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की मुश्किलों को दूर करना है। मंत्रिमंडल ने अवसंरचना निवेश निधि गठित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अधिकृत किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पर्यवेक्षण उपग्रह रीसेट 2 BR-1 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।
और मुंबई में तीसरे और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 241 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।